जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में, और उसमें भी चर्चा करेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, और पर्सनल प्रोनाउन कैसे यूज होता है, कहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में, कहाँ वर्ब के यूज में, ये सब चीजों के बारे में हम चर्चा करते हैं। चैनल पर नए हैं तो पहले पूरा वीडियो देख लीजिए, कंटेंट पसंद आए तो ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, आज का हम पांचवा रूल पढ़ेंगे कि पोसेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का यूज कभी भी नहीं होता है, और पोसेसिव एग्जेक्टिव के बाद नाउन का यूज होता ही होता है। ठीक है, ये दो बातें आपको कंफ्यूज करती हैं। सबसे पहले ये देखिए कि पोसेसिव एग्जेक्टिव क्या होता है। एग्जेक्टिव का मतलब होता है कि वो किसी को वेरीफाई करता है या किसी का गुण बताता है। सीधी सी बात है, यदि ये किसी चीज का, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का गुण बताएगा, इसका मतलब इसके बाद मुझे नाउन चाहिए ही चाहिए। जबकि पोसेसिव प्रोनाउन जो है, पोसेसिव प्रोनाउन है, ये किसी का गुण नहीं बताता, ये अपने आप में कंप्लीट है, इसलिए इसके बाद नाउन का उपयोग वर्जित है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। माई का मतलब भी मेरा होता है और माइन का मतलब भी मेरा होता है। अवर मतलब हमारा, अवर्स मतलब हमारे, ये सब एक ही सेंस को देने वाले हैं, लेकिन उपयोग में अंतर है। ठीक है, कि हमारे एग्जेक्टिव है, एग्जेक्टिव होने के कारण ये हमेशा नाउन लेगा अपने बाद। एग्जाम्पल से समझिए, यूअर्स हाउस इज अ ब्यूटिफुल। सबसे पहले इस पर नजर डालिए, ये यूअर्स क्या चीज है। यूअर्स तो हमारा पोसेसिव प्रोनाउन है ना, कहाँ पे, ये यहाँ पे। ठीक है, और हमने यहाँ लिख के रखा है कि पोसेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का यूज नहीं होता, जबकि ये हाउस हमारा नाउन है, तो ये सही कैसे हो गया, ये तो गलत हो गया। ठीक है, एज पर रूल योर हाउस इज ब्यूटिफुल। ठीक है, अब इस योर पर नजर डालिए, ये योर कहाँ पे लिखा है, ये योर यहाँ पे लिखा है, एक एग्जेक्टिव है, इसके बाद तो हमको नाउन चाहिए ही चाहिए, और ये हाउस हमको मिल गया, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, योर हाउस इज अ ब्यूटिफुल, योर्स इज अ ब्यूटिफुल हाउस। ठीक है, अब यहाँ देखिए, योर्स इज अ ब्यूटिफुल हाउस, योर है, यूअर के बाद हमको कोई भी नाउन नहीं चाहिए, नहीं है, यूज ब्यूटीफुल हाउस, बिल्कुल सही। ठीक है, सॉरी, एक मिस्टेक है, इस यूअर के बाद हमको क्या चाहिए, हाउस चाहिए चाहिए, है ना, मैं कंफ्यूज हो गया था। इस यूअर के बाद हमको कोई नाउन चाहिए चाहिए, ये गलत होगा। इसमें देखिए, ये यूअर्स है हमारा, ये वाला है ना पोसेसिव प्रोनाउन, तो पोसेसिव प्रोनाउन के बाद हमको कोई भी नाउन नहीं चाहिए, इसके बाद कोई भी नाउन नहीं है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार, तो इसमें से चार सही है और दो सही है, एक गलत है और तीन रॉन्ग हो गया। अगला स्लाइड में देखिए, एक लॉजिकल टेस्ट होता है ना, जब भी आप एस या देन को उपयोग करेंगे, जब भी दो चीजों का कंपेयर करेंगे ना, तो जब भी आप तुलना करते हैं ना, तो समान चीजों में तुलना करते हैं। ठीक है, जब भी कोई तुलना करेंगे तो समान चीजों में तुलना करेंगे, इंसान इंसान का तुलना करेंगे, मशीन का मशीन से तुलना करेंगे, ठीक है, औरत का औरत से तुलना करना है, पुरुष का पुरुष से तुलना करना है, बच्चे का बच्चे से तुलना करना है। उसी प्रकार इंग्लिश लैंग्वेज में जब भी आप तुलना करेंगे, तो यदि एक साइड आपने ऑब्जेक्ट रखा है, तो दूसरे साइड भी हमको ऑब्जेक्ट ही चाहिए। ठीक है, यदि प्रथम साइड आपने सब्जेक्ट रखा है, तो दूसरे साइड भी हमको सब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होगा कि आप एक जगह ऑब्जेक्ट यूज करें और दूसरी जगह सब्जेक्ट यूज करें, या फिर एक जगह सब्जेक्ट यूज करें और बाद में ऑब्जेक्ट यूज करें, ये सर्वथा अन्याय है, ये गलत है, पाप की श्रेणी में आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। आई लाइक हर एज मच ही, ठीक है, आई लाइक एस मच ही। ठीक है, मैं थोड़ा इसको क्लियर कर दूं ताकि आपको आसानी से दिख सके। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को मैंने दिखा दिया है कि कौन सब्जेक्ट है कौन ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले सेंटेंस पढ़ते हैं, आई लाइक हर एस मच ही। ठीक है, यदि मैंने पहले यहाँ हर लिखा है, इसके बाद अभी हर क्या चीज है, यहाँ पे देख के बताइए जरा, ये मेरा ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसके बाद भी मुझे ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। इस हर के बाद मुझे, मेरे लिए ही उपयोग किया गया है, मेरे सेंटेंस ही कहाँ पे है, जरा सब्जेक्टिव केस में नजर डालिए, ही तो मेरा सब्जेक्टिव है, जबकि मैंने पहले ऑब्जेक्ट यूज किया है, तो इसके बाद भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे हिम आएगा, यहाँ पे हिम आएगा। ही लाइक हर एस मच हिम। ठीक है, तो ये कंपेयर कर रहे हैं, तुलना बता रहे हैं,
तो ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में हो। इस प्रकार से आई लाइक हर एज मच एज हिम, ये बिल्कुल सही होगा। यू आर टॉलर देन मी, यू आर टॉलर देन मी। अब देखिए यहाँ पे फिर से यू आ गया और यू आपको हर बार कंफ्यूज करने वाला है। ये देखिए ये यू आर टॉलर देन मी। अब यहाँ आपको दिखेगा कि आपको अब पहचानना है कि यू आपके ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है या फिर सब्जेक्ट के रूप में। यू के बाद हमको ऑक्सिलरी वर्ब दिखा है, तो ऑक्सिलरी वर्ब के पहले यदि यू है इसका मतलब ये सब्जेक्टिव है। ठीक है, यू हमारा सब्जेक्टिव है। उसके बाद चर्चा इसका यू का कंपेयर किया गया है मी से। यू मतलब तुम और मी मतलब मुझे, है ना। यू और टॉलर देन मी मतलब तुम मुझे बड़े हो, मुझसे कहाँ हुआ आई तो हमने लिखा ही नहीं है। तुम मुझे बड़े हो या फिर तुम मुझसे मुझे बड़े हो। तो यहाँ पे यू यदि हमारा सब्जेक्टिव केस में है, ये प्रूव हो गया। कैसे, हमने वर्ब को देख के बता दिया कि यू यदि वर्ब के पहले है तो सब्जेक्ट है, वर्ब के बाद होता जो ऑब्जेक्ट होता। ठीक है, क्योंकि ये वर्ब के पहले है इसलिए ये सब्जेक्ट है और मुझे यहाँ भी सब्जेक्टिव केस चाहिए। मी का सब्जेक्ट होता है आई, तो ये सही होगा। यू आर टॉलर देन आई, ये बिल्कुल सही है। और देखिए सी रिस्पेक्ट्स यू मोर देन मी, फिर से यहाँ यू आ गया ना। सी रिस्पेक्ट्स यू मोर देन मी, ठीक है। सी रिस्पेक्ट देन यू मोर मी, तो यहाँ भी आपको आई लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपको लॉजिकल टेस्ट करने हैं और सही और गलत को बताना है। अगला चीज करते हैं कि यूज फॉर ईट फॉर सीजन वेदर टाइम डे लाइफ स्टाइल लाइफ प्लेस इंसेक्ट स्मॉल बेबीज। ठीक है, ईट का उपयोग बहुत वास्ट तरीके से होता है। यदि किसी भी नाउन प्रोनाउन में, है ना, यदि कोई जेंडर डिसाइड नहीं हो पाता है और यदि हम यदि हमारे पास ऑप्शन में मेल फीमेल नहीं है तो उसको हमेशा ईट लेके चलते हैं। ठीक है, ईट लेके चलते हैं। तो इस केस में आपको यूट यूज करना है। सीजन कोई वाक्य में आया है, वेदर आया है, टाइम है, डे है, लाइफ प्लेस के बारे में चर्चा है, मतलब निर्जीव व्यक्तियों के बारे में चर्चा है, इंसेक्ट कीड़े मकोड़े के बारे में चर्चा है, छोटा बच्चा छोटी बच्ची एक एक महीना 2 महीने साल भर के, इसके लिए हम ईट का उपयोग करते हैं। जैसे इट इज अ विंटर, इट इज 5 o'clock, इट इज अ मंडे, इट इज अ पेन, इट इज अ डॉग, द चाइल्ड वॉज प्लेइंग विथ इट्स टॉय। ठीक है, द चाइल्ड वॉज प्लेइंग विथ इट्स टॉय, हिज नहीं इट्स टॉय, क्योंकि इस बेबी का या फिर इस चाइल्ड का हमको लिंग नहीं पता है। इट इज अ डॉग, इट इज अ पेन, इट इज अ मंडे, इट इज 5 o'clock, इट इज अ विंटर। तो इस प्रकार से आपको इट का उपयोग करने आना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ इट का उपयोग बहुत अनिवार्य होता है और एक एक दो दो नंबर के इस प्रकार से प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये चीज आपको अगर याद रहा कि सीजन, वेदर, टाइम, डे, लाइफ स्लेस और इंसेक्ट और स्मॉल बेबी के लिए हम इट का उपयोग करते हैं, तो आप आसानी से इस प्रश्न को बना पाएंगे। ठीक है, तो ये था आज का हमारा एक छोटा सा वीडियो पर्सनल प्रोनाउन, और यहाँ पे हमारा पर्सनल प्रोनाउन खत्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोनाउन के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल का कंटेंट पसंद है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, टाटा।